कोविड-19 वैश्विक महामारी में जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार शुरू हुए थाना दिवस पर शनिवार को जिलाधिकारी के विजय पांडियन और एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पीपीगंज थाने पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजय पांडियन और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सामाजिक दूरी बनाते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित पुलिस विभाग और राजस्व के कर्मचारियों को फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के पश्चात एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पीपीगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के कार्यालय में रखी गई फाइलों और अभिलेखों की जांच कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए थाने में मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान पीपीगंज थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उसी को हमने किया है। अगर ये बताया मुझे आके कि हमने सीसी रिपोर्ट नहीं किया है, हम बढ़ा देंगे। सर, तुम्हें जो मुंशी कार्यालय में रहते हैं उनको भी रिपोर्टिंग कराया। मेरा तो कोविंद जो यहाँ कंप्यूटर आते थे सबको सब किसी चीज में सोच पाया और वापिस मुंशी तक खत्म हो गया। सब तो परिवार होगा नहीं इसमें, तो आपका इसमें सर महाराजगंज जिले में सर अभी जब रोहित शर्मा था तो ठीक से मालूम करो, ये पहले भी जेल गया कई बार इसने इसी मामले में। तो निकालो पूरे गोरखपुर की, निकालो पूरे जिले की। अच्छा मैम, टाइमिंग क्या रहेगा मैम? लूट के दिन उतरे इस वक्त पहले दुल्हन सब लोग सीओ जो वार्ड थाने को लिख चुके हैं उनसे भी संजीव से भी बात फोन पे बताओ है तो उसको कोई सबूत चाहिए ना, और जांच करके गलत है तो फिर उसका रिकवरी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बना के दीजिए, जैसे कि प्रधान तो देखिए जनप्रतिनिधि है ना, उनको ऊपर कार्रवाई के लिए पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। कल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पिक करना पड़ेगा, तो कैसे जाति दर्ज होगी हम मामला? वो कल वो देखते हैं, रूल अगर ऐसा होगा उसमें एक नया नियमावली में रूल्स है, उसमें शासन चाहते तो उसका वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए है। ये